सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरबाइक चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। हाय दिस इज आदित्य प्रताप और स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आदित्य मोटरबाइक पर। तो आज हम आपके लाए हैं TVS की NTORQ 125। तो इसके बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट मिलते रहेंगे। तो अभी आप इसका एक क्विक रिव्यू ले लें, फिर बात करते हैं उसके बारे में। दूसरी स्कूटी से कंपैरिजन थोड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि ये 125 सीसी की सेगमेंट की स्कूटी है। तो ये इसकी जो ये परफॉर्मेंस स्कूटी है ये आराम से एक्सेस 125 को भी बीट कर सकती है। इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है वही बहुत स्मूथ दिया गया है। तो आइए आप इसे एग्जॉस्ट का साउंड बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। इसका जो लुक है वो दूसरी स्कूटी से कंपैरिजन में बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको हेडलाइट मिलती है वो हेलोजन हेडलाइट मिलती है, प्लस इसमें आपको LED फ्लैशलाइट मिलती है। बात कर लेते हैं इसका सीट के बारे में। इसमें आपको लेदर सीट मिल जाती है जो कि बहुत लंबी सीट मिलती है। इसमें आप अप्रॉक्स 3 लोग को बैठ के अच्छे से राइड कर सकते हो, जो बहुत सॉफ्ट सीट मिलेगी आपको। बात कर लेते हैं इसके डिक्की के स्टोरेज के बारे में। तो जब आप इसको राइट मूव करेंगे तो इसकी डिक्की ओपन हो जाएगी। तो जैसे आप इस डिक्की को ओपन करते हैं तो इसमें आपको लैंप का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे जैसे आप डिक्की को ओपन करते हैं तो ये लैंप अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ आपको एक चार्जिंग का पॉइंट मिल जाता है जिससे आपका मोबाइल अगर स्विच ऑफ है तो आप उसको वहाँ से चार्ज कर सकते हो। और इसमें जो आपको स्टोरेज मिलती है वो आपके लिए बहुत सफिशियंट स्टोरेज, इसमें आप अपना हेलमेट बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जब आप इसको लेफ्ट मूव करेंगे तो इसका फ्यूल लिड खुल जाएगा, तो आप आसानी से अपना फ्यूल यहाँ से भरवा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके बैक लुक के बारे में। इसका जो बैक लुक है वो दूसरे स्कूटी से कंपैरिजन बहुत ही अट्रैक्टिव है, जैसे कि मैं आपको इसको ऑन करके बताता हूँ। सो इसकी जो टेल लाइट की डिज़ाइन है वो मेरे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगा है। उसके जो इंडिकेटर की डिज़ाइन है वो भी इस स्कूटी को बहुत स्पोर्टी फील कराता है। बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इसमें आपको बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात ये है इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है।
जिसमें आपको यहाँ देख सकते हैं आपको वियर योर हेलमेट की भी आपको सेफ्टी का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ इको और पावर का भी मिल जाता है, और यहाँ आपको अगर आपका पेट्रोल फ्यूल कम है तो वही बता देता है, और इंडिकेटर्स के साइंस का आपको यहाँ बता देता है कि इंडिकेटर्स का, और इसकी स्विचेस की जो बिल्ड क्वालिटी है वही बहुत अच्छी दी गई है, इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है वही बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स इसमें आपको किल स्विच दिया जाता है जो और दूसरी स्कूटीज में आपको नहीं मिलता है, लेकिन इस स्कूटी में दिया जा रहा है, तो TVS ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा है इस स्कूटी में। बात कर लेते हैं उसके फ्रंट ब्रेक्स के बारे में, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको जो डिस्क ब्रेक का साइज मिलेगा वो 230 mm का मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके रेयर ब्रेक के बारे में, तो इसमें आपको रेयर ब्रेक ड्रम ब्रेक मिले जाएंगे, और बात कर लेते हैं इसके टायर्स के बारे में, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, प्लस इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जिसके डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है। बात कर लेते हैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो इसमें आपको 124.80 cc के इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और बात करते हैं इसके इंजन टाइप के बारे में, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक प्लस OHC इंजन मिल जाएगा, और इसमें आपको 9.4 PS एट द रेट 7500 RPM का इसमें आपको पावर मिल जाएगा, और 10.5 Nm एट द रेट 5500 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिल जाएगा। इसमें आपको 3 valves per cylinder मिल जाएगा, जैसे कि आपने देख लिया होगा रिव्यू में भी यहाँ लिखा है 3 valves per cylinder। उसमें आपको जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम मिलेगा वो कार्बोरेटर मिलेगा, और जो उसमें आपको फ्यूल टाइप मिलेगा वो पेट्रोल मिलेगा। बात करें तो इसकी टॉप स्पीड के बारे में, तो हमारे ओनर ने इसकी जो टॉप स्पीड बताई है वो 100 km/h की टॉप स्पीड बताई है, और बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, जो उन्होंने इसका माइलेज बताया वो सुनकर तो मैं हैरानी हो गया था, इसमें वो बता रहे थे कि इसमें आपको 50 km/l इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है इस सेगमेंट की 125 cc की बाइक में आपको 50 km/l का आपको इसमें माइलेज मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, इससे आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ भी स्कूटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ मिस्टेक्स हैं और अगर आपको प्रॉब्लम्स है स्कूटी के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं।